सदी की सबसे बड़ी फिल्म आदि पुरुष फाइनली अब ओनली 6 days टू गो पर आ चुकी है और आदि पुरुष की एडवांस बुकिंग्स फुल फ्लेज्ड तरीके से कब से खुलने जा रही हैं, बहुत ही जल्दी खुलने जा रही हैं, डेट आ चुकी है, साथ साथ में डोमेस्टिक स्क्रीन काउंट्स कितनी रहने वाली हैं इस फिल्म की, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा यार सब्सक्राइब। जी हाँ, कल वो दिन आने वाला है 11th of June संडे, जब आदि पुरुष की फुल फ्लेज्ड एडवांस बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी इंडिया में। तो आप लोग जाइएगा बुक माई शो पर, अपनी टिकट बुक कराइएगा फैमिली के साथ, क्योंकि ये जो क्रेज है ना, ये इतना जबरदस्त है कि जैसे ही एडवांस बुकिंग्स खुलेंगी कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत ही जल्दी सारी की सारी सीट्स जो है वो सोल्ड आउट हो जाएं। इतना मेरा ये बोलना जो है वो इसलिए लाजमी है क्योंकि एडवांस बुकिंग क्या ओपनिंग प्रेडिक्शंस की अभी तक बात जो है शुरू हो चुकी है कि डे वन जो है कलेक्शन इस फिल्म की 100 crores को आराम से टच कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि बस जो है वो कितना होगा इस फिल्म का, ग्राउंड बज कितना है, ओवरसीज एडवांस बुकिंग्स के जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी कितने ज्यादा सरप्राइजिंग आ रहे हैं। सो ये बातें जो है हमारे दिमाग में एक तरीके का इंप्रेशन लाकर रखती है कि एक तो पहली चीज की रामायण को लेकर जो लोगों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी है कि आज की रामायण किस तरीके से बनाई जा रही है, किस तरीके से बनाई गई है, हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास के जितने भी फैंस हैं, साउथ की जो पॉपुलैरिटी हमको देखने को मिल रही है वो मेनली प्रभास के उस कैरेक्टर राघव की वजह से ही मिल रही है। और तीसरी चीज जो है मैं जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं वो ये कि क्या नया एंगल इसमें इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन दिया गया है, जो हमने सेकंड ट्रेलर में देखा कि हमने यस देयर वर मेनी मेनी क्रिटिसिज्म डायरेक्शन को लेकर कि ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए थी, वैसी और होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे हिसाब से इट वाज अ वंडरफुल न्यू अप्रोच टू द रामायण। ठीक है, तो अगर हम एडवांस बुकिंग्स की बात करते हैं, मुझे लगता है ये एडवांस बुकिंग्स बहुत ही धमाके धड़ल्ले से जो है सोल्ड आउट हो जाएगी। कल से मोस्ट प्रोबेबली मैं आपसे एडवांस बुकिंग्स रिपोर्ट्स भी शेयर करना शुरू करूंगी, लेकिन मैं बेहद एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के रिलीज को लेकर। ठीक है, और जैसे मैंने कहा स्क्रीन काउंट्स, अब आप स्क्रीन काउंट सुनिए कितनी स्क्रीन्स हैं इस फिल्म को मिलने की उम्मीद है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपसे शेयर किया था जिसमें तब ये रिपोर्ट आ रही थी कि अराउंड 8,000 स्क्रीन्स इस फिल्म को सिर्फ डोमेस्टिकली मिलने की आशंका है, लेकिन अब वो चीज़ अपडेट होकर आ चुकी है और फाइनली कन्फर्म्ड न्यूज़ जो आ रही है दैट इज़ 6,200 डोमेस्टिक स्क्रीन्स प्लस, मतलब इसमें अगर मैं बाइफोकेट करके आपको बताऊं तो हिंदी बेल्ट में 4,000 स्क्रीन्स जो हैं वो एलोकेट हो चुकी हैं। जी हाँ, 4,000 स्क्रीन्स जो हैं वो एलोकेट हो चुकी हैं हिंदी पार्ट में, हिंदी वर्जन में, और बाकी 2,200 स्क्रीन्स जो हैं वो बाकी लैंग्वेजेस जो हैं उनमें ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। इट्स अ मैसिव नंबर, 6,200 स्क्रीन्स इज अ मैसिव नंबर। एंड नॉट जस्ट दैट, हम सभी को पता है कि जिस तरीके की पॉपुलैरिटी इस फिल्म को ऑलरेडी मिल चुकी है वो अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले हमने देखी सुनी नहीं है। बस हाँ, एक चीज जो है जिसको लेकर मेरे दिमाग में कंसर्न है थोड़ा सा, वो है इस फिल्म का एवरेज टिकट प्राइस। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री, मैंने इससे पहले भी बोला है, हम खुद जितने भी मासेस वाले जो भी ऑडियंस है इंक्लूडिंग अस, हम लोगों के लिए प्राइस, टिकट प्राइस जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर ये प्राइस कॉमन मैन को ध्यान में रख के रखा जाने वाला है तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ना इसको 3D में देखना चाहते हैं, इसको 3D वर्जन में देखना चाहते हैं, बहुत सारे वर्जन में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, IMAX 3D में है, 4XD में भी है कहीं कहीं पर तो। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो ये कि 3D में टिकट प्राइस महंगा होता है, IMAX वेरी वेरी कॉस्टली, बैंगलोर जैसे शहरों में हज़ार रुपये तक की टिकट्स भी बिकती हैं, तो ये अब यहाँ पर जो है ये सोचने वाली चीज़ होगी 2D में टिकट प्राइस कितना रहता है, 3D में टिकट प्राइस कितना रहता है। आई बिलीव 3D का टिकट प्राइस भी जो है वो कॉमन मैन टिकट प्राइसिंग होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी रामायण की हर एक इंसान सुनना चाहता है, जो इस वक्त हमको टी सीरीज ओम राउत और प्रभास जितने भी टीम है आदि पुरुष की सुनाने वाली है। सो आई एम जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग कि क्या कल नंबर आएगा, क्या किस तरीके की एडवांस बुकिंग्स रहने वाली हैं, कल हमको एवरेज टिकट प्राइस का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी होने वाली है, उसी के दम पर हम कलेक्शंस की प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी दो अपडेट्स, कैसी लगी आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।